द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर ली हाई लेवल मीटिंग, वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं होने पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोरोना रोकथाम के लिए गंभीर, तीसरी लहर की तैयारियों के लिए विशेष कमेटी का किया गठन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ, झालावाड़ में कोरोना से निपटने के लिए एमएलए फंड से दिए 1 करोड़ रुपए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी रहे जोधपुर के दौरे पर, कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना के हालातों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वेंटिलेटर के इस्तेमाल न होने वाली खबरों पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने के कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए वेंटिलेटर की स्थापना और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घर घर जाकर जाँच और निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा। दिल्ली में कोरोना महामारी से संबंधित उपकरणों की कालाबाजारी पर सियासत तेज हो गई है। नवनीत कालरा के पास से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद होने के बाद इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इधर दिल्ली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथ हमेशा कालाबाजारी और जमाखोरों के साथ रहे हैं और नवनीत कालरा का कांग्रेस के साथ सीधा संपर्क है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते हालातों को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार ने 16 से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी, सभी दफ्तर व शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। राशन जैसी जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि मिठाई की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगी। रविवार को ये दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर देश में कोविड-19 रोधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कुछ कदमों का सुझाव दिया है। पार्टी के अधिकारियों ने यहां बताया कि आजाद ने अपने पत्र में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और मजबूत करने के लिए सुझाव दिए हैं। इस पत्र की एक प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी भेजी गई है। गुलाम नबी ने देश में टीका लगाने वालों की संख्या भी बढ़ाने की सिफारिश की। हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के CMO को रिपोर्ट करेंगे। PGI रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर विचार विमर्श करेंगे। देश में कोरोना संकट की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं 8 राज्य ऐसे हैं जहां सक्रिय मामले 50,000 से 1 लाख के बीच हैं। 17 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी भी दर्ज की जा रही है। अरब सागर में उठ रहे चक्रवात तोकाते ने देश की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी तटीय राज्य को सतर्क किया है। इसके मद्देनजर विस्तारा एयरलाइंस और इंडिगो ने अपने ग्राहकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों की सेवाएं कई शहरों में बाधित हो गई है। विस्तारा और इंडिगो ने ट्वीट कर ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चक्रवात तोकाते के चलते कन्नूर में उसकी सेवाएं प्रभावित हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोरोना को रोकने के लिए काफी गंभीर है। कोरोना की तीसरी वेव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया है। इस एक्सपर्ट ग्रुप में SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी, अतिरिक्त प्राचार्य रामबाबू शर्मा, SMS के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सहित कई एक्सपर्ट्स को इस ग्रुप में शामिल किया गया है। राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब और ज्यादा पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जयपुर जिले में पूरे प्रदेश के 24% से ज्यादा एक्टिव केस होने से सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट नई पाबंदियों पर जल्द आदेश जारी कर सकते हैं। जयपुर शहर में और जिले में जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना संक्रमण है वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है। जयपुर में अब फल, सब्जी मंडियों और जरूरी सामान की दुकानों पर भीड़ होने पर सख्ती की जाएगी। जयपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ने के कारण अब नई पाबंदियों की जरूरत बताई जा रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन विधायक वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं।
राज्य ने अपने एमएलए फंड से झालावाड़ में चिकित्सा संस्थाओं में अति आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। कोरोना काल में झालावाड़ जिला चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा संसाधनों की कमी से लगातार जूझ रहा है। ऐसे में झालावाड़ सीएमएचओ की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन से विधायक वसुंधरा राजे से विधायक कोष से उनके क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों और संसाधनों के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने निर्वाचन क्षेत्र आमेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जालसू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने के लिए बड़ी पहल की है। पूनिया ने इनके लिए 25 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक उच्च गुणवत्ता युक्त एम्बुलेंस सौंपी, जिसमें वेंटिलेटर सहित सभी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही पूनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1 करोड़ रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जोधपुर के दौरे पर रहे, इस दौरान उन्होंने कोविड नियंत्रण को लेकर जिला कलेक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कोविड नियंत्रण की समीक्षात्मक बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने कोविड वैक्सीन और जाँच के लिए जन जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के माकूल प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जोधपुर में मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें इस महामारी का सकारात्मक सोच के साथ डटकर मुकाबला करने की अपील की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।